स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है आपका सिवान जिले से। चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं आखिर माजरा क्या है। एमडीएम सहित अन्य मामलों में गड़बड़ी पर 25 एचएम से सो कॉज। सिवान शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश व जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में विद्यालयों का निरीक्षण जारी है। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में कई खामियाँ सामने आ रही है। कहीं प्रधानाध्यापक की लापरवाही से एमडीएम पंजी संधारित नहीं है तो कहीं शिक्षक लेट से विद्यालय पहुंच रहे हैं। साथ ही छात्रों की उपस्थिति भी मानक के अनुसार नहीं मिल रही है। ऐसे में विभाग निरीक्षण के माध्यम से इस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। एसीएस के निर्देश पर विद्यालयों की जाँच 2 शिफ्ट में की जा रही है। इधर शनिवार को किए गए विद्यालयों की जाँच में कई कमियाँ पाई गई हैं, पर डीईओ राजेंद्र सिंह ने 25 प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछा है। डीईओ ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विभाग की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कहा कि इसमें कोताही बरतने वाले विद्यालय प्रधान की जवाबदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इधर शनिवार की जांच में विद्यालयों में तमाम कमियां पाई जाने की स्थिति में डीईओ ने जिन स्कूलों के एचएम से स्पष्टीकरण पूछा है उसमें बरहड़िया प्रखंड के एनपीएस, आलापुर की एचएम अमिका पटेल, उमवी मथुरापुर की दिनेश कुमार, प्रावी सुंदरपुर की नीलिमा नीलम, एनपीएस सुंदरपुर का टोला के संजय कुमार प्रसाद, कन्या विद्यालय के संतोष कुमार, रमवी हरदिया के अतुल रहमान अंसारी, रापरवी लोहाना के विनय भूषण प्रसाद, एनपीएस पिपहरी के संजय सिंह, प्रावी पिराही की रीना देवी, रावमवी पकवलिया के अवध किशोर साह व उमवी जगतपुरा के विजय कुमार राम शामिल हैं। वही सदर प्रखंड के उमवी जमसी सिकरी के एचएम, नौतन के उमवी रामगढ़ के अनिल कुमार बसाद, नव सुजीत प्रावी सिकवाड़ के जितेंद्र गुप्ता, जीरादेई के उमवी पुख रेरा के राम इकबाल प्रसाद, प्रावी अतनी विद्यालय फरवरिया के जितेश कुमार सिंह, रामवी मिश्रौली के अतुल कुमार रंजन, प्रावी प्राथमिक विद्यालय पंडितपुरा के अली असगर अंसारी, यूएमएस हिरम करियार के आशुतोष कुमार, रामवी हरपुर के गिरिजा कुमारी, एनपीएस सजना के मंटू कुमार, मेरवा के एनपीएस पटखौली के सुमन देवी, यूएमएस बैदौली के राजीव रंजन कुमार, नौतन के पीएस सेमरिया कन्या के हरेंद्र प्रसाद व यूएमएस नरकटिया मकतब के एचएम प्रभुनाथ माली से भी विद्यालय में अनियमितता मिलने पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। डीईओ ने सभी प्रधान से स्पष्टीकरण का जवाब 2 दिनों के अंदर देने को का निर्देश दिया है। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि एमडीएम और अन्य मामले, सिर्फ एमडीएम नहीं अन्य मामले में गड़बड़ी निरीक्षण के दौरान पाया गया, जिस पर सिवान के 25 एचएम को जो है वो शोकॉज दिया गया और स्पष्टीकरण देने का इनको 2 दिन का समय दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि 2 दिनों के बाद फिर क्या एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। जो भी होगा आपको हमारे चैनल पर देखने सुनने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।